गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। गॉड ब्लेस यू और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको फाइनल अकाउंट सोल प्रोप्राइटर के और ये क्वेश्चन नंबर 11 तक के सारे पार्ट्स मेरे यूट्यूब पे अपलोड है और आज पढ़ाऊंगा मैं आपको। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैलेंस शीट को कैसे बनाए। बैलेंस शीट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बैलेंस शीट क्या होता है? शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड बैलेंस शीट। किसी भी बिजनेस की पोजीशन देखनी है तो उसकी बैलेंस शीट उठाओ। अब आपने सुना होगा, बैलेंस शीट का नाम सुना भी होगा। तो बैलेंस शीट क्या करती है? हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है, इसीलिए इसको कहा जाता है बैलेंस शीट। बनाना बहुत ही आसान है। जब भी आप क्वेश्चन करें बैलेंस शीट के तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले लायबिलिटी साइड को पकड़ना है। इसको पकड़ना है, तो लायबिलिटी साइड को अगर आप पकड़ेंगे तो वो बहुत लिमिटेड ही होंगी। लायबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन एसेट साइड में बहुत सारी आइटम्स आती हैं, इसीलिए आप सबसे पहले लायबिलिटी वाली साइड को पकड़ेंगे। और ध्यान रखना है लायबिलिटी साइड हमारी ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट वाली साइड होती है। जो ट्रायल बैलेंस आपको क्वेश्चन में दिया होगा उसका क्रेडिट साइड को पकड़ेंगे और गिनती की आइटम्स होती हैं। क्रेडिट साइड में देखोगे तो बहुत कम मिलेंगी और डेबिट साइड में आइटम आपको ज्यादा मिलेंगी। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखें टीएस ग्रेवाल का। क्वेश्चन नंबर 12 टीएस ग्रेवाल, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर बैलेंस शीट ऑफ 31 मार्च 2024। तो अगर बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड में नजर मारें तो 1, 2, 3, 4 आइटम दिए हैं। देखो बाकी सारी आइटम डेबिट साइड की दी है, तो डेबिट साइड वाली आइटम जो होती है वो एसेट साइड की होंगी और जो क्रेडिट साइड वाली आइटम होंगी वो होंगी लायबिलिटी साइड की। तो सबसे पहले लायबिलिटी साइड में आता है हमारा कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले क्या आएगा? कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखना कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, जो हमारा नेट प्रॉफिट आया है ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट से, उस प्रॉफिट एंड लॉस का जो नेट प्रॉफिट है वो कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। कि जैसे जैसे प्रॉफिट होता रहता है कैपिटल हमारी इंक्रीज होती रहती है। अगर लॉस होगा तो कैपिटल डिक्रीज होगी। इसका मतलब प्रॉफिट प्लस होता है और लॉस क्या होता है? माइनस। अगर हम विड्रॉ करेंगे, ड्रॉइंग्स करेंगे तो वो भी कैपिटल क्या होगी? माइनस हो जाएगी। मान लेते हैं मैंने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए और 2 लाख विड्रॉ कर लिए, तो अब कैपिटल कितनी रहेगी? 8 लाख। ठीक है, 10 लाख रुपए लगाए थे, 2 लाख रुपए निकाल दिए, तो अब कितने रहेंगे? 8 लाख। मुझे 4 लाख का फायदा हुआ तो कितनी होगी कैपिटल? 12 लाख। प्रॉफिट होगा कैपिटल बढ़ेगी, लॉस होगा कैपिटल घटेगी, ड्रॉइंग होगी कैपिटल घटेगी। तो यहाँ पे दो चीजें आती हैं, एक तो कैपिटल प्लस करेंगे नेट प्रॉफिट और माइनस करेंगे ड्रॉइंग्स। ठीक है, क्वेश्चन में आगे जब जाओगे एडजस्टमेंट वाले में तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले एडजस्टमेंट भी मिलेंगे, लेकिन फिलहाल इस चैप्टर में वो नहीं है तो मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं, वो आगे जब पढ़ेंगे तब हम उसको ज्यादा डिटेल में पढ़ाएंगे। ठीक है, फिलहाल कोई सीधा सीधा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सीधा कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट को ऐड करेंगे और ड्रॉइंग्स को हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ड्रॉइंग्स मिलेगी आपको डेबिट साइड में। ठीक है, ड्रॉइंग्स कहाँ मिलेगी? डेबिट साइड में। तो आप यहाँ कैपिटल देखें हमारी कितनी है? हमारी 5 लाख। क्लियर है? अब 5 लाख में हमारा क्या नेट प्रॉफिट दिया हुआ है? देखो क्वेश्चन में 16,600 दे रखा क्रेडिट साइड में। ठीक है, 16,600 को प्लस करें तो ये हो जाएगा 5,16,600। अब ड्रॉइंग्स देखो नीचे क्वेश्चन में दे रखी, उसी के नीचे 44,000 की दे रखी है। ठीक है, देखिए 44,000, तो इसको माइनस करो तो कितना आ जाएगा? कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लें फटाफट। चलो मैं कर लेता हूँ, 5,16,600 माइनस 44,000, 47,000। इसको आउटर में दिखाना है। ये ध्यान रखना, बहुत से बच्चे गलती करते हैं, मैं आपको फिर बताऊं, आप लोग फॉर्मेट से काम नहीं करते हैं। एक तो पहले ऊपर नहीं लिखेंगे बैलेंस शीट। बहुत अच्छे जब क्वेश्चंस करते हैं अगर आप देखेंगे तो ये हाफ मार्क्स कट जाएंगे, फिर सारी कैलकुलेशन यहाँ करते हैं, यही प्लस माइनस करते हैं। यहाँ नहीं करना आपको प्लस माइनस, इनर में करना है, आउटर में जैसी ये लाइन बंद हो रही है इसी के सामने लिखना है। ये चीज़ का ध्यान रखें, प्रॉपर फॉर्मेट से करें, अपना ज्यादा दिमाग ना लगाएं। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, 5 लाख यहीं लिखेंगे, यही 16,600 यहीं प्लस माइनस करते चलेंगे, तो ये गलत माना जाता है, ये फॉर्मेट सही नहीं है और एग्जामिनर आपके नंबर डिडक्ट कर देगा। आपका क्वेश्चन सही होने के बावजूद भी आपका 1 नंबर उड़ा देगा और एग्जामिनर अगर चाहे तो आपको 0 भी दे सकता है उसको। दूसरा देखें क्रेडिट साइड में, देखो 5 लाख समझ में आ गया, फिर 42,000 के क्रेडिटर दे रखे हैं। सबसे पहले हमें लायबिलिटी साइड को पकड़ना है जो क्रेडिट साइड में है। क्रेडिट साइड में क्या रहा है? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने के दे रखे हैं बताओ? 42,000। और देखें क्रेडिट साइड में 16,600 आ चुका है। जनरल रिजर्व, ये भी क्रेडिट साइड का ही पार्ट है, जर्नल रिजर्व कितने का दे रखा है? अब यहां क्रेडिट साइड का आइटम और कुछ है नहीं,
इसका मतलब बैलेंस शीट का टोटल आ जाएगा हमारा जो इसमें आना चाहिए, प्लस 42,000 प्लस 10,000, 5,24,600, यही आ रहा है। तो आप देखो कि कितनी जल्दी हमने सबसे पहले बैलेंस शीट का टोटल क्लियर कर दिया। तो आपने क्या बनाया, सबसे पहले लायबिलिटी साइड को बनाया। तो कभी भी एसेट साइड को मत बनाना, लायबिलिटी गिनती की दो या तीन मिलेंगी, उससे क्या होगा हमारा बैलेंस शीट का टोटल आ जाएगा। बैलेंस शीट का यही टोटल हमारा यहाँ आना चाहिए, जो ये टोटल है दोनों साइड हमारे इक्वल होनी चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्वेश्चन गलत है, आपने कहीं ना कहीं गलती की है। समझ में आ गई बात। अब डेबिट साइड, क्रेडिट साइड तो छोड़ दो। डेबिट साइड में देखो कैपिटल आ चुका है, ड्रॉइंग आ चुका है, डेप्टर्स, डेप्टर्स बताओ कितने का दिया हुआ है, 64,000। नेक्स्ट कैश इन हैंड कितने का है, 3,600। नेक्स्ट कैश एट बैंक कितना है, 72,000। नेक्स्ट प्लांट कितने का है, नेक्स्ट फर्नीचर 37,000। नेक्स्ट अच्छा क्लोजिंग स्टॉक का ध्यान रखना, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं इसको, और जो बैलेंस शीट की हम इसको एसेट्स में दिखाते हैं। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 2,48,000। अब देखो यहाँ पे टोटल करते हैं, ये सही आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है आंसर मैच कर गया, इसका मतलब हमारा बैलेंस सही है। और ये क्वेश्चन में क्या है, सिर्फ बैलेंस शीट ही पूछ रहा था, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसलिए अब ये देखें, ऑनलाइन भी इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, रात को 9 बजे एक वीडियो मेरी जरूर आती है। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, बलून सर के नाम से ही हूं, कहीं भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप प्रॉब्लम्स को डीएम कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन की जल्दी एक वीडियो बना के मैं जल्दी अपलोड करूंगा। थैंक यू वेरी मच चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।